देशद्रोही अर्णब गोस्वामी को जल्द से जल्द अटक करो, इस मांग के लिए आज कांग्रेस की ओर से अर्णब गोस्वामी के कार्यालय के सामने जोरदार आंदोलन दिखने मिला। कोई भी इंसान देश से बड़ा नहीं हो सकता और देश की सुरक्षितता को देखकर संवेदनशील और गोपनीय बातें अर्णब तक पहुंचती कैसे, ये प्रश्न मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल होकर अर्णब के इस कृत्य का तीव्र निषेध किया। मुंबई से बिग न्यूज हिंदी की स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई कांग्रेस की तरफ से, मुंबई कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस के जितने भी विंग्स हैं यहाँ पर, उसमें उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ से लेके युवा से लेके महिला कांग्रेस, जितने भी विंग्स हैं मुंबई कांग्रेस के, वो सब एक साथ आए हैं। और जो भारतीय मीडिया में जिसको हम दलाल कर रहे हैं, एक्चुअल में वो ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि वो दलाल है। अगर आप देखें पिछले 6 सालों से उसका लेखा जोखा, जो अभी इस समय क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार बैठी है इसलिए वो डिस्क्लोज करना नहीं चाह रही है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बाकी सब जो भी देश की जनता है वो चाहती कि जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर किए हुए हैं, और वो गुप्त इन्फॉर्मेशन है जो कि आईबी को पता था, उसके बावजूद भी अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर किए जा रहे हैं तो ये देश के साथ में बहुत ही बड़ा धोखा है। और ये देश का, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि मीडिया का दलाल है और बीजेपी गवर्नमेंट का दलाल है, इसलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं और मांग कर रहे हैं। आज यहाँ पर आपने देखा होगा कि रोड पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर निकले हैं और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ के जो आम नागरिक हैं वो भी रोड पर आ गया और वो मांग करता है कि तुरंत इसको गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मुंबई में जिस तरह से अर्णब गोस्वामी के विरोध में कांग्रेस पार्टी मुंबई में विरोध प्रदर्शन जता रही है, जिस तरह से हमारे साथ में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता, उनसे जानने की कोशिश करिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन। काफी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और इसका इस तरीके से विरोध किया जा रहा है कि मानो कि उसने आम जनता को उकसा दिया है। और जो पुलवामा को लेकर उसने जो चैट की है, और कहीं ना कहीं वो लोगों को हताश करती हैं और निराशा फैलाती हैं। और ऐसे लोगों को जो मीडिया का काम करते हुए एक दलाली का काम करते हैं, एक देशद्रोह का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करना चाहिए और उन पर मुकदमा दायर करना चाहिए और उन पर कार्रवाई करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार उन पर कोई उसका सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं ये उंगली केंद्र सरकार पर भी जाती है और केंद्र सरकार उसको सपोर्ट ना करे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं और सच्चाई का साथ दे। सर, क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से दलाल पत्रकार जिस तरह से हिंदुस्तान की पत्रकारिता के ऊपर अनशन लगा रहा है, क्या कहना चाहोगे? एक तो इन्होंने पत्रकारिता जगत को कलंकित कर दिया है और जो चैट आई है 7 दिन से ज़्यादा हो गई, अब तक इस पर केंद्र सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। दीपिका पादुकोणे की चैट पर उस पर केस हो जाती है, नार्कोटिक्स विभाग वाले उसके ऊपर केस कर लेते हैं। तो एक तो ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है, देश के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम चाहेंगे कि अर्णब गोस्वामी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और उसमें जो दो नाम AS और NM आए हैं उसकी जाँच हो, नहीं तो हम AS को अमित शाह समझते हैं और NM को नरेंद्र मोदी समझते हैं। इसलिए CBI इसकी इंक्वायरी करे कि ये कौन है NM और AS, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं चाहूँगा कि CID से इसकी इंक्वायरी ले और महाराष्ट्र सरकार इसको तत्काल यहाँ पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मुंबई में दाखिल करे। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उद्धव ठाकरे जी कहने वाले चाय बिस्कुट वाले पत्रकार के ऊपर आज जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, किस तरह से विरोध आगे भी होगा कि वो एक लोकशाही के अंदर जो आदमी को रिस्पेक्ट, अभिव्यक्ति स्वतंत्र का ये मतलब नहीं कि आप किसी को भी मुख्यमंत्री से भी कैसी भी बात किए जाए, हम लोग को आदरपूर्वक और सम्मानपूर्वक बात होने चाहिए। ये नहीं कि देश में बंटवारा हो जाए और दंगे भड़के, ऐसी बात तो होने ही नहीं चाहिए, भाईचारा की बात होना चाहिए। और अर्णब गोस्वामी देखते हैं आप, जो बात करने का उनका तरीका है, लैंग्वेज है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो पुलवामा का जो हमला हुआ है, वो हमला की उनको जानकारी मिलती है कैसी है, ये अंदर की जानकारी, देश की जानकारी उन तक आती है, इसका मतलब वो अपने केंद्र जो सरकार है उनसे मिली जुली ये मीडिया है। और उनको तो मैं दलाल ही कहूँगा क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है, देशद्रोही का उनके ऊपर खटला होना ही चाहिए,
ऐसी हमारी सबकी मांगनी है और हम लोग ऐसे ही चाहेंगे। अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर केस दायर नहीं करती है तो महाराष्ट्र की मुंबई कांग्रेस किस तरह से आगे आएगी? आगे विरोध में तो हमको आना ही पड़ेगा, हमको धरना या आंदोलन करना ही पड़ेगा और जो इसके ऊपर केस तो लागू करना पड़ेगा। ऐसी हम लोग योजना बनाएंगे, आंदोलन करेंगे और ये हम लोग करके ही रहेंगे आगे। ये थे कुछ कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता, जिस तरह से अर्णव गोस्वामी ने जिस तरह से पत्रकारों को चाय बिस्किट वाला पत्रकार कह के पुलवामा जैसे सभी दिन मामलों में दखलअंदाजी करने के बाद आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है अर्णव के खिलाफ। इस वक्त मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील सुराड कर बिंग हिंदी मुंबई।